हेलो बच्चों, ये मेरा लिमिट एंड डेरिवेटिव का पार्ट 4 है। इसमें हम पहले कुछ फार्मूलाज करेंगे। सबसे पहला फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, बिकॉज इसका वैल्यू वन ई है, तो लॉग ई ई इज इक्वल टू वन, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट सीरीज़ है लॉग वन प्लस एक्स, तो लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज़ आए तो उसे अपने इस तरह से एक्सपेंड करना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स रेज टू पावर फोर बाई फोर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। लॉग वन माइनस एक्स तो सभी टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, यहाँ अल्टरनेट्स हैं प्लस माइनस और यहाँ कॉन्टीन्यूसली सभी टर्म माइनस की। और एक ई का वैल्यू आपको लर्न करना है, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ फैक्टोरियल का आप वैल्यू देखें, जैसे फोर फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। तो नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो लॉग ई ए। और आगे तीन फार्मूले, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। एट्थ फार्मूला, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। और लास्ट फार्मूला, लॉग एम रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। तो नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया तो इसे रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस थ्री एक्स अपॉन थ्री रेज टू द पावर एक्स माइनस वन। तो सॉल्यूशन, तो मैंने दोनों टर्म्स को एक्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास ये थ्री जो है कॉमन लेकर बाहर ले आइए। आगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन थ्री एक्स लॉग वन प्लस थ्री एक्स, नीचे थ्री रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो थ्री, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लॉग वन प्लस थ्री एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री एक्स, नीचे थ्री रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो हमारे पास ये आ गया थ्री, और ये लॉग ई ई, लॉग ई ई वन अपॉन लॉग ई थ्री, दैट इज़ अ आंसर। नोट कीजिए, इसको रेज कर दें, इसको नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन। तो हम दोनों टर्म्स को पहले एक्स से डिवाइड किया, तो हमारे पास यहाँ आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एक्स लॉग वन प्लस एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स, नीचे ई दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो हमारे पास ये लॉग ई ई वन आ गया, तो ई दी पावर एक्स ये भी लॉग ई ई, तो ये भी अब हमारे पास वन आ गया, तो हमारे पास आ गया आंसर वन। नोट कीजिए, इसको भी नोट किया तो इसे भी रेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री लॉग एक्स माइनस लॉग थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ हम एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच पुट करेंगे। तो एक्स टेंडिंग टू थ्री, तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग थ्री प्लस एच माइनस लॉग थ्री अपॉन थ्री प्लस एच माइनस थ्री। तो यहाँ थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग थ्री वन प्लस एच अपॉन थ्री माइनस लॉग थ्री अपॉन एच।
तो यहाँ हम log mn का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पार्टीशन कीजिए, यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो log 3 प्लस log 1 प्लस h अपॉन 3 माइनस log 3 अपॉन h। तो यहाँ log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गए, तो लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो तो log 1 प्लस x वाला फार्मूला h अपॉन 3 प्लस h अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ माइनस प्लस एच अपॉन 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस एच अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन निकल गया तो हमारे पास 1 अपॉन 3 माइनस h अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो नीचे h, h से h कैंसिल आउट, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन 3 h का वैल्यू 0 0 और सो ऑन इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आंसर। नोट कीजिए इसको भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिए। इरेज कर दूँ इसको, तो इरेज कर रहा हूँ इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस x अपॉन x। तो यहाँ log हमने log 3 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ रह गया हमारे पास 1 प्लस x अपॉन 3 माइनस log 3 1 माइनस x अपॉन 3। तो हमारे पास नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 3 प्लस log 1 प्लस x अपॉन 3 माइनस log 3 माइनस log 1 माइनस x अपॉन 3। तो नीचे x, तो यहाँ log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x का वैल्यू x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू दी पावर एक्स अपॉन थ्री रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4 एंड सो। नेक्स्ट माइनस, तो 1 माइनस एक्स वाली वैल्यू सभी ही नेगेटिव हो जाएंगी, तो यहाँ एक्स बाय 3, यहाँ माइनस एक्स अपॉन 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 3 क्यूब बाय 3 माइनस एक्स अपॉन 3 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू अपॉन एक्स, नोट कीजिए इसको ध्यान से, ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास ये टर्म सभी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो एक ये टर्म निकल जाएगी और ये टर्म निकल जाएगी, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 2x अपॉन 3 प्लस x क्यूब अपॉन 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 ये भी डबल एंड सो ऑन अपॉन x। तो यहाँ तक नोट कर लिया, नीचे से इरेज कर दें इसको। तो यहाँ हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 और कॉमन निकल के x बाहर, तो हमारे पास 2 अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 81 एंड सो ऑन नीचे x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। तो अगली बार हम इसके में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 0 प्लस 0 और सो ऑन, तो हमारे पास 2 अपॉन 3 आंसर। नोट कीजिए इसको भी, नोट कर लिया, तो इसे रेज कर रहे हैं आप।